गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचो की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। इस वीडियो को वही स्टूडेंट देंगे जिन्होंने 11th क्लास में एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, और जो भी इच्छुक स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन एडमिशन लेना चाहता है तो गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में एडमिशन ओपन है, जिसमें बालिकाओं के लिए 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। और इसमें शर्त ये है कि उस बालिका के 10th क्लास में 60% या इससे अधिक परसेंटेज होने पर ये राशि दे है। ओके, आज का टॉपिक रहेगा सेल डिवीजन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कोशिका विभाजन एवं इसका महत्व। सबसे पहले तो कोशिका विभाजन है क्या? जब कोशिका विभाजित होती है उसी दौरान नए जीवों का एवं निर्माण हो पाता है। कोशिका विभाजन के माध्यम से ही नई संतति कोशिकाओं का निर्माण संभव होता है। तो यहाँ पर एक परिभाषा मैंने लिखी है कोशिका विभाजन की, एक कोशिका यानी कि कोई एक जनन कोशिका होती है जिसे अपन मदर सेल भी कह सकते हैं, मातृ कोशिका होती है, से दो या अधिक कोशिकाएं यानी कि इनसे एक सेल है, इनसे एक और दो कोशिका बढ़ती है, ये जनन कोशिका होगी, इस जनन से दो कोशिका बनी तो इसको कहते हैं संतति कोशिका या पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोई एक जनन कोशिका है, मातृ कोशिका है, मदर सेल से दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है, और जो निर्मित होने वाली कोशिका को संतति या पुत्री कोशिका कहते हैं उसे कोशिका विभाजन सेल डिवीजन कहते हैं। कोशिका विभाजन के माध्यम से ही नई संतति कोशिकाओं का निर्माण संभव हो पाता है। कोशिका विभाजित होकर के अपने समान नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें ये पुत्री कोशिकाएं स्वयं विवर्धी व विभाजन कर सकती हैं, और ये क्रम लगातार चलता रहता है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण सेल डिवीजन कोशिका विभाजन से ही संभव होता है। सजीव की शारीरिक वृद्धि तथा लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के अलावा नए अंगों की उत्पत्ति, क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनरुत्पादन, पुराने ऊतकों तथा पुरानी कोशिकाओं के प्रतिस्थापन आदि के लिए कोशिका विभाजन बहुत जरूरी है, जिसके बिना उस जीव का जीवन चक्र पूर्ण होना असंभव होता है। यानी कि किसी भी जीव की शारीरिक वृद्धि, लैंगिक और अलैंगिक जनन को छोड़ करके, जिसमें नए ऊतकों का निर्माण होना, क्षतिग्रस्त ऊतक है उसका वापिस पुनः भरना, पुराने ऊतकों का बनना, पुरानी कोशिकाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापन होना, इन समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जरूरी है। यूकैरियोटिक कोशिका में दो प्रकार का
कोशिका विभाजन पाया है। फर्स्ट इज माइटोसिस, सेकेंड इज मियोसिस। माइटोसिस दैट इज समसूत्री विभाजन, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। और ये तीसरा विभाजन होता है वो होता है ए माइटोसिस, ए सूत्री विभाजन। और ये होता है जीवाणु कोशिका में, बैक्टीरियल सेल में असूत्री विभाजन है वो संपादित होता है। समसूत्री विभाजन में जो जनन कोशिका से संतति कोशिका बनेगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है तो उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का वेरिएशन या विभिन्नता देखने को नहीं मिलती। अर्धसूत्री विभाजन में जनक से जो संतति कोशिकाएं बनेगी इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी गुण करके रह जाती है जिसे अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस कहते हैं। इसमें विभिन्नता वेरिएशन देखने को मिलते हैं क्योंकि इस विभाजन में जीवों में जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और इसमें विभिन्नता देखने को नहीं मिलती है। इसमें विभिन्नता देखने को मिलती है क्योंकि इसमें जीन विनिमय होता है और जीन विनिमय के कारण ही जीवों में वेरिएशन या विभिन्नता उत्पन्न होती है। कोशिका विभाजन का क्या महत्व है, क्या कार्य संपादित करता है? ये कायिक ऊतक की वृद्धि एवं विकास में सहायक, नए ऊतक एवं अंगों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, क्षतिग्रस्त ऊतकों का पुनरुत्पादन करता है, पुराने ऊतकों, अंगों एवं कोशिकाओं के प्रतिस्थापन में प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, अलैंगिक जनन का कार्य, लैंगिक जनन का कार्य, कोशिकाओं के आकार को निर्धारित आकार की में रखना जैसे कार्य संपादित करती है। समसूत्री कोशिका विभाजन के कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं हैं, एक है अंतरावस्था और दूसरी है एम परावस्था, जिसको अपन अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन में अगुणित एवं द्विगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में ये विभाजन संभव है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल अगुणित कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में सामान्य होता है जबकि अर्धसूत्री विभाजन बीजाणु मात्र कोशिका, युग्मनज एवं युग्मक मात्र कोशिकाओं में संपन्न होता है। केंद्रक विभाजन एवं कोशिका द्रव्य का विभाजन समसूत्री विभाजन में एक बार होता है, केंद्रक विभाजन दो बार एवं कोशिका विभाजन एक अथवा दो बार होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की प्रतिकृतिकरण का निर्माण अंतरावस्था में होता है, अर्धसूत्री विभाजन में
डीएनए की प्रतिकृति मात्र एक बार होती है। समसूत्री विभाजन में इसकी प्रोफेज अवस्था सामान्य होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था जटिल होती है, जिसको उन पांच प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है। वो है लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। समसूत्री विभाजन में जीन विनिमय नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन उपप्रावस्था में जीन विनिमय होता है, जिसके कारण इसमें वेरिएशन या विभिन्नता देखने को मिलती है। समसूत्री विभाजन की मेटाफेज के गुणसूत्र एक तल में अव्यवस्थित रहते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था के दोनों तलों में गुणसूत्र व्यवस्थित रहते हैं। समसूत्री विभाजन की टीलोफेज अवस्था में गुणसूत्र बिंदु विखंडित हो जाता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की टीलोफेज प्रथम में गुणसूत्र विखंडित नहीं होता है, केवल और केवल टीलोफेज सेकंड में गुणसूत्र विखंडित होते हैं। ये था कोशिका विभाजन की परिभाषा, कोशिका विभाजन का महत्व, यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन के प्रकार, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। कल के लेक्चर वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कोशिका चक्र। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।